अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज मेरी किचन में बनेगा कच्चे कीमे का सीख कबाब। 250 ग्राम कीमा लिया है मैंने। इसमें हमने ऐड किया है कांदा, अदरक, लहसुन, हरी धनिया और मिर्चियाँ। उसका हमने पेस्ट बना के इसमें ऐड कर लिया है। पाउडर मसालों में हम एक चम्मच डालेंगे इसमें लाल मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून आप डालेंगे हल्दी, 1 चम्मच जीरा पाउडर। इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे 1/2 चम्मच काली मिर्च का पाउडर, 1 चम्मच चाट मसाला, 2 चम्मच धनिया पाउडर और चिली फ्लेक्स। चिली फ्लेक्स ऑप्शनल है, अगर आपको तीखा नहीं चाहिए तो आप स्किप कर सकते हैं। नमक डालेंगे, गरम मसाला 1/2 चम्मच और बेसन हम 3 भर के बड़े चम्मच डालेंगे। एक एक्स्ट्रा चम्मच मैंने डाला है अदरक लहसुन का। सारी चीज़ों को मिक्स करके 15 मिनट के लिए रेस्ट कर देंगे। अब अपने शेप के अकॉर्डिंग गोल या लंबे जैसी भी शेप आपको चाहिए वो बनाइए। मैंने एक पेंसिल्स की मदद से हाथों में तेल लगाकर इसे ये शेप दिया है और इसे रेफ्रिजरेटर में रखा है मैंने पूरे 1 घंटे के लिए। उसके बाद मैंने शैलो फ्राई किया है। रेफ्रिजरेटर में रखना ज़रूरी है क्योंकि वो सेट होने के लिए उसको 1.5 घंटा लगता है। उसके बाद हम इसे शैलो फ्राई करेंगे और ये कुछ मेरे कबाब इस तरह के रहेंगे। उसके बाद मैंने बाकी के कबाब शाम में तले थे तो वो मैं आपको आगे चल के दिखाऊंगी। इसी वीडियो में एंड में देखिए आप। ये मैंने आफ्टरनून में बनाया था, अब शाम में भी बच्चों को चाहिए था कबाब तो मैंने बाकी के कबाब सेट करने के लिए रख दिए थे 3 से 4 घंटे के लिए। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं तो आप हफ्ते भर के लिए फ्रीज़र में स्टोर करके भी रख सकते हैं, एयरटाइट कंटेनर में या जिप लॉक बैग में। सो मेरे शैलो फ्राई हो रहे हैं, अल्टी पल्टी करके आप इसे शैलो फ्राई कर लीजिए। गर्मा गर्म खाइए, बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं। नान के साथ खाइए, पाव के साथ खाइए, ग्रीन चटनी तो ज़रूर रहना चाहिए, बहुत ही मज़े के लगते हैं। तो फाइनल लुक मैं आपको थोड़ी देर में बताती हूँ। तो लीजिए दोस्तों, गर्मा गर्म सीख कबाब रेडी है। पाव के साथ खाइए, बहुत ही मज़े के लगते हैं। एक बार ज़रूर बनाइए मेरे तरीके से। दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन आप अपना, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। मज़े मज़े की रेसिपी शेयर करती हूँ मैं आपसे। टिल देन अल्लाह हाफिज़ दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।